हाँ जी, मेरे मन के अंदर बार बार यह संकल्प उठता है कि बाबा जब माउंट आबू में जाएंगे तो मैं भी बाबा के साथ साथ जाऊंगा। ये संकल्प उठने का कारण क्या है बाबा? अच्छा संकल्प उठता है तो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे हैं? अगर किसी के बार बार निगेटिव संकल्प उठते हैं, रील में निगेटिविटी आती है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे ब्राह्मण हो, ब्रह्मा के सत्संकल्पों से स्वर्ग की सृष्टि रची गई, तो ब्राह्मणों के भी अच्छे संकल्पों से क्या होगा, उनके जन्म जन्मांतर की अच्छी सृष्टि रची जाती है। तो वर्तमान में अगर किसी के अच्छे संकल्प चलते हैं कि मैं बाबा के साथ ही रहूं, तो सिद्ध होते हैं कि नहीं? जैसे कुमारका दादी के संकल्प थे, मैं भविष्य में बाबा की वारसदार बनूंगी, तो ज्ञान के अनुसार सिद्ध हो गया ना कि सतयुग का सेकंड नारायण कौन बनेगा है? दादी ही बनेगी। अगर अंत तक संकल्प पक्का रहा तो, परंतु क्या ये संकल्प ज्ञान युक्त कहें कि ब्रह्मा बाबा के वारसदार बनेंगे? क्योंकि मुरली में तो बोला हुआ है, मैं तुम बच्चों को नर से नारायण बनाता हूँ, नारी से लक्ष्मी बनाता हूँ, और ब्रह्मा बाबा क्या बनेंगे? नर से प्रिंस बनेंगे, फिर नारायण बनेंगे। तो एक डिग्री कम हो गई ना, और फिर ब्रह्मा बाबा के जो वारसदार बनेंगे उनकी तो और कलाएं कम हो जाएंगी। तो जो भी संकल्प करें, संकल्प करने से पहले ये पक्का करें ये संकल्प श्रीमत के अनुकूल है, श्रीमत कहती है बाप के घर जाना है, और घर में जाके बैठ जाना है या तुरंत तो वापस भी आना है? है बैठ जाना। इतना संकल्प तो किया कि बाप के घर परम धाम शांति धाम जाना है, लेकिन इतने से ज्ञान पूरा हो जाता है? क्योंकि परम धाम में तो बाप के पीछे पीछे जाने वाली ढेर आत्माएं जाकर बैठ जाएंगी। क्या कितने बैठेंगे? 500 करोड़ जाकर बैठेंगे। इस सृष्टि पर जो साकार परम धाम बनेगा उसमें इस सृष्टि की जो भी बीज रूप आत्माएं हैं लाखों की तादाद में, वो सब जाकर के बैठेंगे। लेकिन वहां जाकर के बाप के पीछे पीछे बैठना ही बड़ी बात है या कोई और भी बात है जो लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए जरूरी है? क्या है? है सिर्फ परम धाम ही नहीं जाना है, वहां जाकर के बैठ ही नहीं जाना है,
परंतु पहले पहले सुखधाम में भी आना है। जैसे मनुष्य सृष्टि का बाप शिव बाप के पीछे पीछे परमधाम वासी बनता है, शिव बाप तो साक्षी हो जाता है, परमधाम वासी हो जाता है 5000 वर्ष के लिए, और मनुष्य सृष्टि का बाप वहां बैठ जाता है यह तुरंत वापस आता है, सुखधाम में वापस आता है। ऐसे ही जो बोला है कि तुम बच्चे परमधाम को सृष्टि पर उतार लेंगे, तो परमधाम इस सृष्टि पर उतरेगा, बाप भी होगा, बच्चे भी होंगे, लेकिन वो बच्चे श्रेष्ठ कहे जाएंगे जो परमधाम पहुंचे, शांति धाम का गेट खुला और साथ ही साथ कहां पहुंच गए, क्योंकि शांति धाम का गेट खुलने के साथ साथ सुखधाम का भी गेट खुलेगा। तो जो सुखधाम में भी तुरंत वापस आ जावे, सिर्फ रुद्रमाला के मणके बनकर ही नहीं रह जावे, लेकिन विजयमाला में भी सुखधाम में आकर पिरोना है, तब लक्ष्य की पूर्ति होगी। नहीं तो वो शंकराचार्य, वो सन्यासी, वो दूसरे धर्म की आत्माएं, वो सिर्फ मुक्ति पाती हैं, जीवन मुक्ति नहीं पाते। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा मार्ग प्रवृत्ति मार्ग का है, हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है, क्योंकि हम सिर्फ निराकार को नहीं याद करते, क्या याद करते हैं? साकार में निराकार को याद करते हैं। याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है और हमारी प्राप्ति भी प्रवृत्ति मार्ग की है। हमें सिर्फ मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति भी चाहिए। तो शांति भी और सुख भी चाहिए। ऐसी तो कोई आत्मा नहीं होगी जो न शांति चाहती हो न सुख चाहती हो। कोई आत्मा है? है? अगर है तो वो आत्माओं की लिस्ट में नहीं है। किस लिस्ट में है? है? परमपिता परमात्मा है एक, वो सदैव शांति धाम का वासी है, उसे सुख की आशा नहीं है। जिनको शरीर होता है उनको सुख भी होता है। तो संकल्प सिर्फ ये ही नहीं करना है कि हमें बाप के साथ जाना है, लेकिन क्या करना है? बाप के साथ जाना भी है और तुरंत सुखधाम में आना भी है। रुद्रमाला के मणके बन गए, बीज रूप आत्मा बन गए, शांति धाम में तो पहुंच गए, पहले पहुंच गए, फिर सुखधाम में अगर बाद में आए तो नंबर तो पीछे रह जाएगा। श्रेष्ठ देवताओं की लिस्ट में आवेंगे या बाद वाले देवताओं की लिस्ट में आवेंगे? ये तो बाद की लिस्ट बन जाएगी। और एडवांस पार्टी में 9 लाख से 2 करोड़,
दो करोड़ सतयुग के अंत में। त्रेता में नहीं होते 33 करोड़ देवताएं, कलयुग के अंत तक 33 करोड़ देवताएं ये आत्माएं उतरती रहती है। अभी भी देवता ही आत्माएं उतर रही है, हर धर्म की आत्माएं अंत तक उतरती है। तो ऐसे नहीं कि देवता धर्म की आत्माएं त्रेता में उतरने के बाद फिर परम धाम से उन आत्माओं का उतरना बंद हो जाता है। 33 करोड़ जो देवी देवताएं हैं उनमें और धर्म में कन्वर्ट होने वाले भी हैं, जो कच्चे देवताएं हैं। ऐसे देवताएं भी हैं जिनका देवताई स्वभाव संस्कार तो होता है लेकिन सतयुग त्रेता में नहीं आवेंगे। इसलिए मुरली में देवताओं की सतयुग त्रेता दोनों युगों की आबादी 5 से 10 करोड़ बताई है। बाकी जो 23 करोड़ हैं वो द्वापर युग से कलयुग के अंत तक जन्म लेते रहते हैं। इसलिए बोला है कि 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में ऊपर से आने वाली सोल प्रवेश करती रहती है। ऊपर से परमधाम से जो भी आत्मा पहले जन्म में आवेगी वो सुख भोगेगी या दुख भोगेगी? है सुखी ही भोगेगी, क्योंकि बाप के घर में सब आत्माएं सतो प्रधान स्टेज में होती है। सतो प्रधान आत्मा दुख नहीं भोग सकती। तो द्वापर युग से जो भी आत्माएं उतरती है वो कोई न कोई देव आत्मा में प्रवेश करती रहती है। विधर्मी आत्माएं जो उतरती है वो कम पावर की देव आत्मा में प्रवेश करती है। और बाबा शरीर में, ये शरीर में दो आत्माएं बोले कब की बात? जब धर्म पिताएं प्रवेश करते हैं। हाँ जी, एक शरीर में दो आत्माएं काम करती हैं, एक पुरानी तमो प्रधान आत्मा और एक ऊपर से आने वाली सतो प्रधान आत्मा। ज्यादा पावरफुल कौन सी होगी? ऊपर से आने वाली पावरफुल आत्मा होती है। उसमें इतनी पावर होती है पहले जन्म में कि जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे बाहर चली जाए। क्राइस्ट को जो सूली पर चढ़ाया गया तो देहधारी को दुख हुआ या जिस आत्मा ने प्रवेश किया उसको दुख हुआ? जो देहधारी आत्मा है उसको दुख होता है, दुख फील करती है, सूली का कांटा अनुभव करती है। और जो प्रवेश करने वाली आत्मा है वो पहले जन्म में दुख भोग ही नहीं सकती। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उस आत्मा का और उस आत्मा के साथ साथ जो भी आत्माएं संसर्ग संपर्क में आती हैं उनके संग का रंग जरूर लगता है। बाबा जी, ये प्रवेशता प्रीता में होती है क्या? सतयुग त्रेता में ऊपर से आने वाली आत्माएं सब जन्म लेती हैं गर्भ महल में, इसलिए वो देव आत्माएं हैं। और द्वापर युग में ऊपर से जो भी आत्मा उतरती है पहले जन्म में वो दूसरे के तमो प्रधान आत्मा के शरीर में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाती। और बाबा सेवा के प्रति गीता पाठशाला के अंदर बाबा के बोले गए महावाक्य बोर्ड बनाकर लिखकर रखना, यह ठीक है या गलत है? बाबा के महावाक्य तो लिखना अच्छा ही है लेकिन चुन चुन करके बजनी पॉइंट लिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नए नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बाबा तो पुरानी पॉइंट्स ही बोलते रहते हैं, सामान्य पॉइंट्स भी बोलते रहते हैं। और बाबा
बाबा बोलते हैं कि विजयमाला का आवाहन करो, संकल्प करना है, किस प्रकार का संकल्प करना है थोड़ा डिटेल में बताइए। अगर बोला जाए शहद की मक्खियों का आवाहन करो तो क्या करेंगे? जो शहद की मक्खी पालने वाले होते हैं वो सारी मक्खियों का आवाहन करते हैं या रानी मक्खी को उठा लेते हैं? रानी मक्खी का आवाहन करेंगे तो सारी मक्खियाँ खुद ही आ जाएंगी। मुरली में भी बोला है, मिसाल यहाँ का दिया है, शहद की मक्खियों की एक रानी मक्खी निकलती है तो पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। किस प्रकार का आवाहन करना है बाबा? अब देखो बाप दादा का आवाहन करते हैं तो किस प्रकार का आवाहन करते हैं? पता नहीं क्या बेसिक में पढ़ाई पढ़ी नहीं? बेसिक में गए नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट आ गए इसीलिए। बाबा हाँ जी, बाबा बोलते हैं कि 2018 में कृष्ण का जन्म, हम समझते थे बाबा कि ये स्कूल में दादा लेखा ब्रह्मा का ही कृष्ण के रूप में जन्म होगा, ये बात नहीं है बाबा? हम भी कृष्ण के पास रहते बाबा। स्थूल दुनिया कब शुरू होगी? ये ब्राह्मणों की जो सूक्ष्म दुनिया है वो स्थूल दुनिया कहेंगे या संकल्पों के पावर से रची हुई सूक्ष्म दुनिया कहेंगे? अभी तो सूक्ष्म दुनिया है ब्राह्मणों की, सूक्ष्म संकल्पों की पावर से संगठन तैयार हो रहा है, ब्राह्मणों की नई दुनिया का संगठन बन रहा है। यहाँ जो कुछ भी होता है उसका शास्त्रों में गायन होता है, सत्युग त्रेता में जो कुछ होगा उसका शास्त्रों में कोई गायन नहीं है। तो राधा कृष्ण जो पैदा होते हैं सत्युग में वो स्थूल दुनिया होगी या ब्राह्मणों की सूक्ष्म दुनिया होगी? वो तो स्थूल दुनिया होगी। उस स्थूल दुनिया में राधा कृष्ण के साथ कंसी जरासिंधी शास्त्रों में नहीं दिखाए गए हैं। शास्त्रों में जिन राधा कृष्ण के साथ कंसी जरासिंधी दिखाए गए हैं वो संगमी की दुनिया की कृष्ण की बात है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। यहाँ स्थूल जन्म तो होना ही नहीं है। और 2036 में जो स्वयंवर की बात बताई गई है, स्वयंवर शास्त्रों की बात है या कोई प्रैक्टिकल बात है? हैं? और शास्त्रों में जो भी बातें स्वयंवर की आई हुई है वो संगमी भी दुनिया की यादगार है या सत्युग त्रेता की यादगार है? तो संगमी भी दुनिया में स्वयं जिन्होंने वर्ण किया है उसकी यादगार में स्वयंवर हुआ है। सत्युग में न कोई जश्न होता है न कोई उत्सव होता है और न कोई वहाँ त्योहार होता है। बाबा वर्तमान पेपर में आया कि सूर्य की गर्मी 2011-12 में इतनी बढ़ेगी कि फ्रिज टीवी मोबाइल फटेंगे, तो बाबा पहले बेहद में 2011-12 में ज्ञान सूर्य भी अपनी ज्ञान रोशनी इतनी ज़्यादा फैलाएगा कि बेहद के फ्रिज टीवी और मोबाइल फट जाएंगे, तो वो बेहद के फ्रिज और टीवी और मोबाइल कौन है बाबा? पार्वती के पिता का नाम क्या था? हिमालय। वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया में पार्वती भी है और पार्वती का पिता माने जाने वाली आत्मा का भी कोई पार्ट है। वो आत्मा जब साकार में थी तो उस
उस आत्मा का जो पार्ट था वो बर्फ की तरह है, बर्फ का ऐसा बड़ा आगार कि बुद्धि चलायमान होती ही नहीं थी। मुरली में शिव बाप ने चाहे जितनी भी गहरी पॉइंट उछाली हो, परंतु उनकी आत्मा मनन चिंतन मंथन नहीं करती थी, गर्मी नहीं आती थी। इसलिए वो हिमालय कही गई। बर्फ का आलय, बर्फ का घर। और शंकर की आत्मा हिमालय नहीं है, झंडे में लाल कपड़ा दिखाया जाता है। बुद्धि में क्रांति करने वाली वाणी है, इसलिए गाते भी हैं बीके वाले, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। तो जिनकी बुद्धि ज्ञान सुनने के बाद भी जिनका दिमाग चलता नहीं, उनकी बुद्धि है फ्रीज के मुआफिक। और जिनकी बुद्धि चलती है, बहुत तीव्रता से विचार चलते हैं, विचार सागर मंथन चलता है, वो पानी गर्म करने वाला गीजर कहेंगे या फ्रीज कहेंगे? गीजर है। और बाबा शंकर के मस्तक पर जो अपने संन्यास धर्म की जो आत्मा जो है, जिसको कहा गया गंगा, तो ये गंगा के नीचे जो आठ रत्न बताए, आठ अमन के बताए, तो उन्होंने दोनों में सेवा सबसे ज्यादा किसने की? क्योंकि गंगा को सबसे ऊपर बताया और अष्टदेवों ने सबसे ज्यादा सेवा की, इसके कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा तो अष्टदेवों ने सेवा की है ना बाबा? गंगा का जो रूप है वो कन्या का रूप है क्या? कन्याओं में जिस कन्या ने अंत में प्रत्यक्ष होकर के बहुत सेवा की, और जो सेवा अभी तक भी एडवांस पार्टी वालों ने नहीं की है, भगवान की प्रत्यक्षता भूमि में सेवा हुई है या दक्षिण भारत में सेवा हुई है? दक्षिण भारत तक की आत्माएं निकली है, लेकिन भगवान की जो जन्मभूमि मानी जाती है, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, उनकी जन्मभूमि कहाँ मानी जाती है? उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में ही गंगा बहती है, ये यादगार बनी हुई है। परंतु मुरली में बोला है कि ज्ञान गंगाएं निकली हैं लास्ट में, तो पूरी एडवांस पार्टी वो कार्य नहीं कर पाती उत्तर भारत को जगाने का। परंतु गंगा जब निकलती है तो उत्तर भारत की आत्माएं, उत्तर भारत के सोए हुए कुंभकर्ण जग जाते हैं। इसलिए मुरली में बोला है जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। माता जी कुछ पूछ रही थी उधर। हाँ संगम है,
हाँ हम लोग तो नहीं थे उस समय, पति यहाँ जो भी बैठे हुए हैं उनमें कोई ऐसा है जिसकी उम्र 71 साल से ऊपर हो? है कितनी है? है 73 और कोई कितनी है? है 71 75 75 और कोई? बस तो इतनी बड़ी सभा में दो आत्माएं ऐसी हैं जो यज्ञ के आदि में ब्राह्मण नहीं थी और बाकी सब ब्राह्मण थे, सिंध हैदराबाद में मौजूद थे। दुनिया की आबादी नई दुनिया के आदि में माना सतयुग के आदि में कितनी होती है? 9 लाख। और सिंध हैदराबाद की भी आबादी कितनी थी? 9 लाख थी। अब जो 70-71 साल से पहले के बैठे हुए हैं यहाँ, वो कहेंगे अगर हम यज्ञ के आदि में थे ही नहीं ब्राह्मण तो हम यहाँ एडवांस में कैसे आ गए? इसका जवाब है आपके पास? नहीं है तो जवाब है कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो राम वाली आत्मा के साथ पूर्व जन्म में रही थी लेकिन जब यज्ञ शुरू हुआ तब नहीं थी, इसलिए पूर्व जन्म के संग के रंग के वो संस्कार स्वभाव उनको एडवांस में खींच लेते हैं। और पोता मेल के अंदर एक कॉलम है, बाबा को याद कितना समय किया है, अब उसका कैलकुलेशन तो मुश्किल ही लगता है, कैसे कैसे करना है, जैसे सुबह कितने समय उठता है, फिर पोता ठंडा दूरी शुरू ही रहती है, तो इसका कैलकुलेशन करना बहुत कठिन है, इस तरीके से करना है। दैनिक चार्ट में जो दैनिक चार्ट रात को सोते समय 5 मिनट लिखा जाता है उसमें याद के बारे में कम से कम इतना तो लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास याद रही, सेकंड क्लास रही, थर्ड क्लास याद रही, टूट टूट के याद आई या कभी कभी निरंतर स्मृति बनी रही। अनुभव तो होता है तो जैसा भी अनुभव होता है वैसा लिख दे। उसमें बाबा एक क्या कॉलम है, कितना कमाया और कितना खाया है? तो वो बेहद के बारे में, बेहद में बोला है कि बेहद के बारे में तो सारा ही चार्ट है लेकिन वो हद का चार्ट है कि कमाते कितना है और खाते कितना है। ऐसा तो नहीं कमाते कम है और घर परिवार वालों का ले लेके खाते रहते हैं तो संस्कार पर जावेंगे उधार लेकर के खाने के। आखिर 5-7 2036 में आखिर 5-7 रोज के अंदर महाविनाश होगा, तो इसमें जब धरती हिलेंगी तब माउंट आबू पर बाबा बच्चे होंगे या पहले ही वैकुंठ में चले जाएंगे? 36 के बाद जो रह जाएंगे तो वो सतयुग के आदि में रहे आएंगे है? 2036 के बाद संगम तो पूरा हो जाता है और संगम जब पूरा हो गया फिर पुरुषार्थ का टाइम रहता है क्या? वैसे भी उस समय जो निकलने वाली होगी वो प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी या बारिश क्वालिटी की आत्माएं तब तक पुरुषार्थ करती रहेंगी, प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी। तो सन 36 के बाद या सन 36 के आसपास दुनिया का एक एक अणु
दुनिया की एक एक मनुष्य आत्मा और दुनिया की प्रत्येक आत्मा, कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी पतंगे, इनकी भी तो आत्माएं है ना। वो आत्माएं जहां से चलना शुरू हुई थी, अपना साइकिल पूरा करके फिर वहीं ऊंची स्थान पर पहुंचेंगी। इसलिए 2036 के बाद न तो माउंट आबू का पहाड़ ही रहेगा और न ये दुनिया रहेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि आबू का जो पहाड़ है, नाम क्या रखा है, आबू, दुनिया के जो राजाएं हुए हैं या जो राज परिवार हुआ है, उन राजाओं ने दुनिया में द्वापर कलयुग में आकर के ज्यादा गंद की है, प्रजा ने उतनी गंद नहीं की है। तो वो सारी गंद राज परिवार की, जो बहुत ही गंदे हो गए हैं, वो गंदगी का पहाड़ जाकर के वहां इकट्ठा होता है। कहां? माउंट आबू। उसमें भी कैटेगरीज हैं। थर्ड क्लास वारसदार भी हैं, दास दासी बनने वाले भी हैं, छोटे मोटे प्रिंस बन करके रह जाने वाले भी हैं, युवराज बनने वाले भी हैं, जो पहला प्रिंस बनते हैं, राजाएं बनने वाले भी हैं और महाराजा बनने वाले भी हैं, रानियां और महारानियां बनने वाली भी हैं। उस राज परिवार की टोटल संख्या कितनी है, है? 9 लाख प्रजा नहीं है, 9 लाख 16,108। उस 16,108 वो सारी की सारी आत्माएं कलयुग के अंत में आकर के पतित बन जाती है, यथा राजा तथा उनकी 9 लाख प्रजा भी क्या बन जाती है, पतित बन जाती है। तो माउंट आबू वो यादगार है पत्थर बुद्धियों की। जो भी पत्थर होते हैं या पत्थर के पहाड़ होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा मजबूत पत्थर कौन सा होता है? ग्रेनाइट, काला पत्थर। वो काला पत्थर का बहुत गहरा पहाड़ माउंट आबू नाम है उसका। मोस्टली उस पत्थर के कलयुग के अंत में शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो अंत में कौन सा पत्थर टूटेगा? छोटे छोटे शालिग्राम टूटेंगे या वो बड़ा शिवलिंग का पत्थर टूटेगा? है अंत में वो बड़ा पत्थर टूटेगा। कारण ये है कि वो बाप का पार्ट है। जो भी बच्चे हैं, सबका उद्धार होने के बाद बाप का नंबर आता है। तो माउंट आबू में लास्ट तक
बाप का पार्ट है, जो सब बच्चों को सूक्ष्म वतन भेज करके अंत में फिर जाएगा और उसकी इतनी फास्ट गति होगी कि बच्चे परमधाम में बाद में पहुंचेंगे, नंबर वार पहले बाप पहुंच जाएगा। ये याद की प्रैक्टिस की बात है, इसलिए अब तक बाप दादा कहते हैं ऐसी प्रैक्टिस करो, एक सेकंड में साकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में निराकारी। नौ लाख रूहानी स्टेज को धारण करने वाली में 4.5 लाख शरीर से है, जो शरीर रहते रहते रूहानी स्टेज धारण कर लेते हैं। 2.25 लाख संख्या जो है वो कौन से स्टेज को धारण करती है? कौन से 2.25 लाख? उनके घराने में जो 2.25 और 2.25 4.5 लाख होती है ना, 2.25 लाख चंद्रवंशी विजयमाला से आने वाले और 2.25 लाख सूर्यवंशी, जो सूर्यवंशी हैं असल ज्ञान सूर्य की औलाद, जो सूर्य से डायरेक्ट ज्ञान लेते हैं उनकी 6 प्रगति है, क्योंकि वो निराकारी स्टेज को झट धारण कर लेते हैं। और बाकी जो 2.25 लाख हैं रानियां बनने वाले, वो निराकार उपासी नहीं है, क्या है? साकार उपासी है, चरित्रवान है। या रुद्रमाला के 2.25 लाख मणकों के मुकाबले दुष्चरित्र है, है? जो रानियां हैं वो जन्म जन्मांतर की चरित्रवान है, इसलिए उनको बीज रूप स्टेज धारण करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जो राजा बनने की क्वालिटी वाली आत्माएं हैं वो ज्यादा पतित बनी है जन्म जन्मांतर, इसलिए उनकी पढ़ाई भी पहले चालू होती है और उनको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो नेचुरल पवित्र आत्माएं कौन सी मानी जाएंगी? हैं? विजयमाला वाली आत्माएं नेचुरल पवित्र हैं, इसलिए उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो बाद में आती हैं तो भी प्रैक्टिकल जीवन में फास्ट जाती हैं। ऊंचा किसको लेंगे बाबा? हैं? ऊंचा स्थान किसको? ऊंचा तो बाप के बच्चे ही है। विजयमाला आती है चंद्रवंशियों से। विजयमाला ऊंची रहती है क्या? वो ऊंची तब कही जाए जब एडवांस ज्ञान ले ले। और बाबा सिंह हैदराबाद में 9 लाख जनसंख्या थी पहले, हाँ? तो आज सब सारी विश्व से इकट्ठी हुई थी, हाँ? तो वो भी तो ईश्वरीय कार्य था, हाँ? ईश्वरीय कार्य था क्या वो? ठीक है, ईश्वरीय कार्य माने जो ईश्वर शिव है वो नहीं आया था तो ड्रामा में बना हुआ है ऐसा, वो ड्रामा ऐसा बना हुआ है कि जो भी इस सृष्टि का नई सृष्टि का बीजारोपण करने वाली आत्माएं हैं, चाहे जन्म लेने वाली हैं चाहे जन्म देने वाली हैं, वो अंतिम जन्म में जाके सिंध हैदराबाद में इकट्ठी हो जाती है।
और जब तक बेसिक में थे, बेसिक का ज्ञान था तो इतने जोरदार साक्षात्कार होते थे कि साक्षात जैसे मेरे बच्चा नहीं उतर रहा है। और अब प्रजापति का बाप है तो ये भी ये नहीं आता। माने माना साक्षात्कार होना अच्छी बात है या दिमाग अच्छी होना अच्छी बात है? साक्षात्कार होना अच्छा है। ज्ञान अच्छा है तो ज्ञान में तीव्र होना अच्छा है या साक्षात्कार होना अच्छा है? मुरली में एक वाक्य बोला है जो कहते हैं कि हमें साक्षात्कार हो जाए तब हम मानेंगे कि तुम्हारा बाप भगवान आया हुआ है, तो उन्हें भगाए देना चाहिए। माना शिव बाप साक्षात्कार को अच्छा नहीं मानते। क्यों? क्योंकि यज्ञ के आदि में जितनों जितनों को साक्षात्कार हुए वो बाप को नहीं पहचान पाया। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, उन्होंने बाप को पहचाना है? नहीं पहचाना। अगर पहचाना होता तो संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं रखते। तो बाबा वो ये ज्ञान में आई नहीं ना। कौन? ब्रह्मा बाबा। तो इसलिए वो इस नई सृष्टि की पैदाइश करने के निमित्त नहीं बन सकते ना। तो ये ड्रामा है, है? तो ड्रामा ही है। ड्रामा बनाने वाला कौन है? अभी एडवांस से अगर आए रहे थे ब्रह्मा बाबा तो क्या? तो ड्रामा बनाने वाला कौन है? वो नहीं है। मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, हरेक की मुट्ठी में उसकी अपनी तकदीर है। शिव बाप आते हैं तो वो तो कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन करो, तो वो कहाँ कहते हैं? बिगड़ने के बाद में कहते हैं बाप। हैं? पूरे बिगड़ जाते। कौन बिगड़ जाते? जो बच्चे हैं। क्यों? पूरा जन्म चल जाता है तब कहते। नहीं, ब्रह्मा बाबा पूरे बिगड़ गए थे क्या? है तो मम्मा सरस्वती कैसे मनन चिंतन मंथन कर लेती थी? ब्रह्मा बाबा तो नहीं कर पाते थे, इसलिए मम्मा को हिमालय रानी नहीं कहा, बाबा को हिमालय राज नाम पड़ा। बाबा मैं गीत की लाइन बताती बाबा, उस पर लागू की। माखन चोर नंद किशोर मनमोहन घनश्याम रे, कितने तेरे नाम रे कितने तेरे रूप है, इसका अर्थ क्या है? और कौन से बाबा पर लागू होता है? मक्खन जो है वो सार को कहा जाता है। मक्खन किसको कहा जाता है? सार। गाय घास खाती है, उसका रस निकलता है, उस रस से दूध बनता है, दूध से दही बनाया जाता है, दही बिलो करके छाछ अलग कर देते हैं और सार माने मक्खन निकल आता है। तो ये भी भारत में जो गोपिकाएं हैं जिन्होंने इस अंतिम जन्म में कन्या का चोला लिया है या माता का चोला लिया है, वो मक्खन बनाने वाली हैं। मक्खन का अर्थ है पवित्रता का सार इकट्ठा करने वाली, और वो पवित्रता का सार विधर्मियों के पल्ले नहीं पड़ना है। बंदर लड़ते हैं और मक्खन तुम बच्चे खा जाते हो।
जो मक्खन इतना लेने के निमित्त बनते हैं वो ही मनन चिंतन मंथन कर पाते हैं, नहीं तो मनन चिंतन मंथन करने की बुद्धि बनती ही नहीं, और बनती है तो उल्टे रास्ते पर चलती है। इब्राहिम की तरफ मुड़ जावेंगे, बुद्ध की विचारसरणी में मुड़ जावेंगे, क्राइस्ट की ओर मुड़ जावेंगे, लेकिन बाप जैसा मंथन कराना चाहते हैं, जिसके लिए तरीका बताते हैं, अपन को आत्मा समझ माँ में एकम याद करो। अगर कोई दूसरे को याद भी कर लिया तो उसके वाइब्रेशंस की मिसैलिटी हो जाएगी, और जो मक्खन निकालना चाहिए वो नहीं निकलेगा। सागर मंथन तो होता है, लेकिन उस सागर मंथन में सबको रतन नहीं मिलते। जो गहरे घुसते हैं उन्हीं को रतन मिलता है। जिसने सबसे जास्ती मक्खन खाया उसका नाम मनमोहन रख दिया। मनमोहन माने मन को मोहने वाला। सबके मन को जिसने मोह लिया वो मनमोहन हो गया। उसका नाम मुरलियों में रख दिया गया है कृष्ण। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। सतयुग का कृष्ण नहीं, वो नहीं मंथन करेगा। वो मंथन करके सार नहीं निकालेगा। कौन से कृष्ण की बात है? संगम भी कृष्ण की बात है। इसलिए मनमोहन नाम रखा है। नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। चार नाम दिए हैं नेक्स्ट टू गॉड। ये चार पर्सनालिटी है नेक्स्ट टू गॉड या एक ही है? एक ही है। और बाबा ना है? आप आगे आ जाइए, आपकी आवाज कानों में नहीं पड़ रही है। तो प्रमाण है तीखी गति तीव्र। हाँ जी है। गंगा को भी सन्यासी कहेंगे क्या? महाभारत में गंगा की भी कथा आई है। गंगा के पुत्र का नाम क्या था? है? गंगा के पुत्र का नाम था भीष्म। भीष्म को जन्म देने के बाद तुरंत ही गंगा ने सन्यास ले लिया या राजा शांतनु के साथ रही? है? सन्यास ले लिया। ऐसी तो माताओं में कोई ही माता होती होगी जो बच्चे को जन्म देने के बाद तुरंत सन्यास ले ले। संगम युगी कृष्ण और सतयुग का कृष्ण दोनों अलग अलग पर्सनालिटी है कि एक ही पर्सनालिटी है? दोनों अलग अलग व्यक्तित्व है। दोनों के बीच में अगर राजयोग का बैलेंस देखा जाए तो किसके पास ज्यादा है? संगम युगी कृष्ण के पास राजयोग का बैलेंस ज्यादा है। तो जो ज्यादा योगी होगा उसकी उम्र भी जास्ती होगी। नारायण का पार्क है।
अभी तो बताया, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। नारायण बन जाएगा, नारायण तब ही बनता है जब नारायण ही वरण कर ले। नारायण तो अभी आती है ना, आत्मा है नारायण तो अभी आती है। नारायण नारायणी हाँ, जब आती है आने के बाद वरण करे तभी नारायण कहा जाएगा। हाँ हाँ हुसैन का रथ मुकर्र रथ को नहीं कहा जाता, हुसैन का रथ मुसलमानों में प्रसिद्ध है। हाँ जी, और शेरी के चित्र में है जो मंदिर दिखाया है हम अपने घर में, माता जी बोल रही है कुछ। हाँ, शेरी के चित्र में जो मंदिर दिखाया है वो आधे पानी में डूबे हुए दिखाए हैं। क्या जो देवी की मूर्तियाँ और मंदिर साथ साथ हम बनाते हैं ना, देवी की मूर्तियाँ ही बनाते हैं कि उनके मंदिर भी बनाते हैं? नव दुर्गा जो पूजन होता है उन दिनों में देवी की मूर्तियों के साथ साथ उनके मंदिर भी बनाते हैं, और समंदर में या पानी में ले जा करके उन मूर्तियों और मंदिरों को डुबो देते हैं। बेसिक नॉलेज के बाद जब भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं नारायण बनने वाली आत्मा के थ्रू, तो जो भी एडवांस में निकलने वाली आत्माएं हैं उन्होंने संगम युग में प्रसिद्ध होने वाली देवियों की पूजा की थी या नहीं की थी? बेसिक में है देवियों की पूजा की थी, कोई कोई पुजारी ऐसे भी सीखे थे अपने बच्चों को बाल बच्चों को दूध नहीं पिलाते थे और सारा पैसा ले जाके देवियों को अर्पण कर देते थे, उनको अच्छे अच्छे मकान बना कर देते थे, अच्छे अच्छे कपड़े देते थे, बैंक बैलेंस भी देते थे। जब उनकी बुद्धि में बैठ जाता है कि भगवान बाप कौन, एडवांस में आ जाते हैं, तो उन देवियों को डुबोने की सेवा करते हैं या नहीं करते हैं? है? करते हैं या नहीं करते? करते हैं। कहाँ डुबो दिया? ज्ञान सागर के ज्ञान जल में उनका मूर्ति भी डुबो दी और उनके मंदिर भी डुबो दिए। ये अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी भी चल रहा है बाबा। हाँ। बड़ा शिव मंदिर में बड़ा घंटा बजाते हैं, उसकी कौन सी यादगार होगी? घंटा माने आवाज करने वाले, जिन्हें बाबा की भाषा में कहते हैं माइक। कितने माइक निकाले हैं? तो शिव बाप पहले प्रत्यक्ष होता है या पहले शिव बाप के बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं? है सन सोज फादर, और फादर सोज सन्स, दोनों के बीच में ज्यादा पावरफुल कौन है? है बाप ज्यादा पावरफुल है, तो बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा या बच्चे पहले बाप को प्रत्यक्ष करेंगे? बाप को पहले बच्चों को। है पहले बच्चों को। बाप ज्यादा पावरफुल होने की वजह से खुद को गुप्त रखता है और बच्चों को प्रत्यक्ष कर देता है। तो बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं,
अभी बात समझ में नहीं आई? नहीं बाबा, बड़ा घंटा की बातचीत है ना, तो जो बड़ा घंटा है उसको जगाने के लिए नंबरवार बच्चे निमित्त बनते हैं, वो ही घंटे कहे जाते हैं। जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो घंट बजाते हैं, का मतलब क्या, हम आ रहे हैं, है? ऐसा ना हो पड़े पड़े सोते रहो। तो शिव के मंदिर में चारों ओर बड़े बड़े जमघंट दिखाए जाते हैं। जमघंटों की संख्या कितनी है, है? 84 जमखंड हैं, 12 7 84। दूसरे धर्म के नारायण कितने हैं, कम कला वाले है, 7। तो 7 नारायणों के 12 12 के ग्रुप हो गए, तो कितने घंटे हुए, 84 घंटे हुए। वो भक्त किस्म की आत्माएं हैं या ज्ञानी तू आत्माएं हैं? जो भी विधर्मी है वो सब भगत हैं, भगवान बाप को नहीं पहचान पाते। तो जो भगत हैं वो समझते हैं कि भगवान सोए हुए हैं और हम जगते हैं। और आप इतनी थोड़ा ताकत लगा के बोलिए। टीके के अनुसार सतयुग में सोने का महल होता है, और बाद में प्राकृतिक गुफा बनाते हैं रहने के लिए, और खुले मैदान में बच्चे कहाँ क्या सतयुग सतयुग में सोने के महल होंगे। और यहाँ तो सोने की काया होती है, हाँ गुफा बनाती है ना, प्राकृतिक गुफा, हाँ वहाँ रहते हैं कि वो कोई कहता है कि मैदान में खुले मैदान में वहाँ आवश्यकता ही नहीं। जो भी मकान बनाए जाते हैं उनकी जरूरत क्या है, मकान क्यों बनाए जाते हैं, कपड़े क्यों पहने जाते हैं, हैं? कोई कारण होगा या बिना कारण के? अरे कपड़े पहनने का कोई कारण है या नहीं है? कोई कारण नहीं, कारण है, सबसे पहला कारण तो है देहाभिमान। वो देहाभिमान को छुपाने के लिए कपड़े पहनते हैं। दूसरा कारण है सर्दी गर्मी और बरसात, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो सर्दी गर्मी और बरसात होती नहीं, वहाँ सदाबहार मौसम रहता है, इसलिए वहाँ कपड़ों की भी दरकार नहीं, तो मकान की भी, दीवारें बनाने की भी दरकार नहीं। सतयुग में ये 3 ऋतु रहेंगे नहीं क्या बाबा? हैं? सतयुग में ये 3 ऋतु रहेंगे नहीं? क्या नहीं रहेंगे? 3 ऋतु अभी कलयुग में है। क्या 3 ऋतु? सर्दी गर्मी गर्मी, वहाँ सदाबहार मौसम नहीं होगा? अरे सदाबहार मौसम भी होगा और सर्दी गर्मी बरसात भी होगी, है? हाँ ये फिर एक ही बात होगी ना, मुरली में जो बोला वो ही होगा। मुरली में बोला वहाँ सदाबहार मौसम होता है, तो जब सदाबहार मौसम होता है तो फिर कपड़ों की और मकान की दरकार है ही नहीं, और वहाँ सब आत्मा अभिमानी होते हैं, देह के ऊपर किसी की दृष्टि जाती नहीं, देखते हैं तो सितारा आत्मा को देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन आत्मा के ऊपर रहता है। तो जब देह को देखते ही नहीं, देह के अंगों को देखते ही नहीं, देह भान आता ही नहीं, तो कपड़ों की दरकार है, कपड़ों की भी दरकार नहीं। बात करते होंगे बाबा ऐसे ऐसे दूसरे है? बात नहीं करते हो, गूंगे होते हैं, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। उनका तो दिमाग ही इतना कॉन्सेंट्रेटेड होता है कि आँख उठी और उन्होंने बात को समझ लिया, एक दूसरे को देखा और देखते ही बात को समझ लेते हैं। उनका दिल से दिल मिला हुआ होता है। आज के मनुष्यों का, स्त्री और पुरुष का दिल से दिल मिला हुआ नहीं है।
ये बंधेला बच्चा है, ये है वो, समझेंगे बांधेला बच्चा समझेंगे वो क्यों नहीं समझेंगे। और बाबा जी मुरली में बोला है कि पुरुष का एक जन्म जो होता है और एक जन्म होने के बाद दूसरा जन्म माता का होता है, और किसी पुरुष को दो जन्म अगर लेना है पुरुष के तो उसके लिए कैसा क्या करना पड़ता? पुरुष जो आत्माएं पुरुष बनकर दो दो जन्म लेती हैं पुरुष रूप में, उन्होंने ज्यादा आत्मिक स्थिति को धारण किया है, क्योंकि आत्मा स्वयं पुरुष है और आत्मा का साथी देह प्रकृति है, स्त्री है। इसलिए जो आत्मिक स्थिति में ज्यादा रहने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, अर्थात राजा बनने वाले हैं, वो आत्माएं पुरुष जन्म ज्यादा लेंगी। और देवान का जिनको आना ज्यादा रहता है और आत्म की स्थिति बनाने से भी नहीं बनती जल्दी, तो उनको स्त्री जन्म ज्यादा मिलते हैं। और बाबा काली महाकाली बनती है, गौरी महागौरी बनती है और नारायण महानारायण बनता है, तो इसमें काली महाकाली बनती है जगदम्बा के लिए बोला गया है, तो ये दो दो आत्माओं के पार्ट है कि बाबा एक में मिक्स चलते हैं कि बाबा काली महाकाली, काली अलग और महाकाली, ये मिक्स होकर के महाकाली बनती है? जब नाम है काली इसका मतलब कम काली है, फिर नाम है महाकाली माना ज्यादा काली है, फिर नाम है गौरी माना गोरी है लेकिन ज्यादा गोरी नहीं है, लेकिन महागौरी इसका मतलब बहुत गोरी है। तो ये स्वभाव संस्कार मिक्स होने से लक्ष्मी और महालक्ष्मी जैसे बनते हैं। क्या लक्ष्मी माना सीता वाली आत्मा और राधा वाली आत्मा, ये दोनों आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो जैसे महालक्ष्मी कहा जाता है, बाहर से भी गोरी और अंदर से भी गोरे स्वभाव संस्कार, ऐसे यहाँ भी है नारायण और महानारायण, गोरी और महागोरी, काली और महाकाली, और एक और नाम बीच में है अकाली। हाँ जी वो सिखों में गाया जाता है अकाली है। वाह बनती कैसे नहीं, संगम युग की यादगार है अकाली, न कि और युगों की यादगार अकाली है। सिखों में जो गायन है अकाली का, अकाल तख्त का, वो संगम युग का यादगार है या और चारों युगों का यादगार है? संगम का यादगार है। प्रैक्टिकल में दोनों मिलते क्या बाबा? है काली जो है, काली तो इस्लाम या मुस्लिम धर्म से कनेक्टेड है ना, तो वो महाकाली जो मैंने जगदम्बा से मिलती है, तो ये संकल्प से कि फुल प्रैक्टिकल में मिलती? अगर संकल्प एक नहीं होंगे चारों ब्रह्मा के, जो पांच ब्रह्मा हैं, पांचों ब्रह्मा के स्वभाव संस्कार और संकल्प एक नहीं बनेंगे तो विष्णु कैसे बनेगा? ब्रह्मा सो विष्णु, सिर्फ एक ही ब्रह्मा बनता है या जितने भी ब्रह्मा के मुख हैं सभी ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं? सभी बनते हैं। जो विष्णु की चार भुजाएं दिखाई गई हैं, वो भुजा माने आत्मा की यादगार या स्थूल भुजा की बात है? भुजा माने मददगार, तो मददगार आत्मा बनती है या स्थूल भुजा मददगार है? आत्मा की यादगार है। चार आत्माएं हैं जो भुजा के रूप में पार्ट बजाती है, कोई दाई ओर की भुजाएं हैं राइटियस काम करने वाली, कोई लेफ्ट साइड की भुजाएं हैं,
कोई ऊपर की भुजाएं हैं, कोई नीचे की भुजाएं हैं।